हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के डोरमेट, फ्लोरमेट, दरी, चटाई बनाएंगे बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में, घर पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह के डोरमेट जब हम मार्केट से लाते हैं तो वो काफ़ी महंगी मिलती है और जल्दी ही ख़राब हो जाती है। इसे हम घर पर ही बनाएंगे पुराने कपड़ों से, और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए पुराना टी शर्ट लिया है जो ख़राब हो गया है, फट गया है, और इसके कलर भी ख़राब हो गई है, उदास हो गई है। तो फटे पुराने कपड़े आप किसी को दे भी नहीं सकते। इससे अच्छा है कि इसका कोई रीयूज किया जाए। इसके स्लीव को कट करके हटा देंगे, और यहाँ से हम इसके कॉलर को भी कट करके हटा देंगे। अच्छी तरह से कट करके निकाल लेंगे, और यहाँ से देखिए नीचे की जो सिलाई है उसे भी कट करके हटा देंगे, और यहाँ से जो कॉलर वाला हिस्सा है उसे भी कट करके हटा देंगे। इससे हमें ढेर सारे पीसेस निकल जाएंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और किनारे से जो सिलाई है उसे कट करके हटा देंगे, और यहाँ पर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से पूरे में हमें 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है, यानी कि हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है। तो हम पूरे में इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे पहले, उसके बाद कट कर देंगे तो ये काफ़ी आसानी से कट हो जाती है। सेम तरह से सामने की तरफ भी 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इसे स्केल से हम सीधा कर लेंगे तो इससे हमारी सीधी पट्टियाँ कट के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमने दोनों साइड 2-2 इंच पे निशान लगाया है उस निशान को पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए पूरे में निशान लग गई है, और अब इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ढेर सारी पट्टियाँ कट हो जाएगी, 2 इंच की सीधी पट्टियाँ कट के रेडी हो जाएगी। जैसे हमने इस टी शर्ट को कट किया है उसी तरह से बाकी सारे टी शर्ट को भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ढेर सारे पीसेस निकल गए, और कहीं कहीं पर ये थोड़ा सा जो तिरछा वगैरह है तो उसे हम सीधा कर लेंगे, सीधा कट करके ठीक कर लेंगे कपड़े को। और ये देखिए स्लीव है, इससे भी हमें कुछ पीसेस निकल जाएंगे, यानी कि हमारा कोई भी कपड़ा बर्बाद नहीं होने वाला है, सारा कपड़ा यूज हो जाएगा। और इस तरह से बेकार पड़े हुए जो कपड़े होते हैं हमारे साथ, हमारे पास जो, उसका भी हम यूज कर लेते हैं और कोई काम की चीज़ बन जाती है। और फटे पुराने किसी को कपड़े देंगे तो कहेंगे कि फटे हुए कपड़े दिया है, इसलिए आप घर पे ही कुछ बना ले, यूज कर ले। और इस तरह के डोरमेट मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे सभी टी शर्ट के पीसेस कट हो गए। आप चाहे तो लोअर हाफ पैंट जो होते हैं उसके भी कपड़े ले सकते हैं, इसमें धागे वगैरह नहीं निकलते इसलिए मैंने इसका यूज किया है। और अब हम एक पुराना जीन्स लेंगे, इसका यूज मैंने पहले भी किया है, तो इसे हम कट कर लेंगे और इसे कट करके सीधा कर लेंगे। इसकी लंबाई है 21 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि तिरछे में 1 इंच पे निशान लगाएंगे, 1-1 इंच की दूरी पे हमें निशान लगा लेना है। तो आप चाहे तो इसको सीधे में भी बना सकते हैं, तो मैं इसे इस तरह से तिरछे में बनाऊँगी। तो 1-1 इंच पे हमें निशान लगा के इस तरह से सीधा कर लेना है, पूरे में हम निशान लगा लेंगे। और ये जीन्स वाला फैब्रिक है तो इसमें कोई लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर प्लास्टिक की बोरी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जीन्स में भी जो होते हैं एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह नहीं निकलते हैं, और टी शर्ट और ट्राउज़र के जो कपड़े होते हैं उसमें भी थ्रेड वगैरह नहीं निकलते हैं, तो उसमें आपको पाइपिंग लाइनिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस जीन्स में भी मैं पाइपिंग या लाइनिंग या फिर रैश बैग नहीं लगाऊंगी, सिंगल जीन्स का ही यूज करूंगी। तो इस तरह से 1-1 इंच पे हमें दूरी बना के निशान लगा लेना है। तो ये देखिए पूरे में निशान लग गई है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से जो हमने पीसेस कट की है इसको इस तरह से फ्रिल बनाते जाएंगे, और जो हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर से इसे इस तरह से फ्रिल बना के सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए कलर को कॉम्बिनेशन मिलाते हुए इस तरह से हम सिलाई करेंगे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें नीचे से थोड़ा फोल्ड कर लेना है और इस तरह से फ्रिल बनाते जाएंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। ये बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसके ऊपर से रखते हुए सिलाई लगा सकते हैं, या फिर पहले सभी पीसेस को फ्रिल बना के रेडी कर ले उसके बाद भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर से इस तरह से हम फोल्ड करते जाना है हमें, और इसके ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है, प्लेट्स बैठाते जाना है और उसके ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। ये काफ़ी आसान है लगाना और बहुत ही जल्द लग के तैयार हो जाते हैं। और टी शर्ट के जो कपड़े होते हैं उसमें थ्रेड वगैरह नहीं निकलते हैं, इसमें आप लोअर, हाफ पैंट, हॉजरी वाले जितने कपड़े होते हैं वो सब ले सकते हैं।
ऐसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्द बन के रेडी हो जाती है और ये काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम बनती है। तो इस तरह से हमें फ्रिल बनाते जाना है और उसके ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। इस तरह के फटे पुराने कपड़े घर में सभी के घर में बेकार पड़ी होती है, तो उसे आप किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि कोई काम की चीज़ बनाया जाए। इस तरह के डोरमेट आप किसी भी तरह के कपड़े को बना सकते हैं। इसमें तो मैंने टी शर्ट का यूज किया है, हाफ पैंट, लोअर, जो हजरी वाले कपड़े होते हैं उसकी भी बन जाती है, या फिर पुरानी साड़ियाँ जो पड़ी होती है उसका भी हम बना सकते हैं। तो उसमें थ्रेड वगैरह निकलती है तो उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके करेंगे तो धागे नहीं निकलेंगे। साड़ियों से बनी इस तरह की वीडियो अपलोडेड है फ्रेंड्स, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें कलर कॉम्बिनेशन को मिलाते हुए इस तरह से हमें फ्रिल बनाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। आप चाहे तो फ्रिल को पहले से भी रेडी करके इसके ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं, या फिर इसी तरह से फ्रिल बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जो हमने निशान लगाया है 1-1 इंच की दूरी पे, उसी के ऊपर से रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। एकदम चिपकाते हुए, ज़्यादा फैला के नहीं लगाना है, एकदम चिपकाते हुए सारे पट्टियों को फ्रिल बना के लगाते जाना है। इसी तरह से काफ़ी आसानी से ये लग जाती है, बहुत ही जल्द बन के रेडी हो जाती है। ये देखिए, हमने इसमें 3 कलर का यूज किया है, तो इसे मैंने मल्टी कलर बनाया है। आप चाहें तो 1 कलर की भी बना सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप इसमें 18 नंबर की सुई का यूज करें, 18 नंबर की सुई से काफ़ी आसानी से सिलाई लग जाती है, तो इसे सिलना भी आसान हो जाता है और काफ़ी आसानी से इसमें सिलाई लग जाती है। 18 नंबर के नीडल का यूज करें तो ये देखिए काफ़ी आसानी से ये लग के रेडी हो जा रही है और ये काफ़ी सुंदर सा फ्लफी सा बन के रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से हमें पूरे में रेडी कर लेना है, सिलाई लगाते हुए फ्रिल को बनाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे और पूरे में रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने बना के रेडी कर लिया है और ये देखिए पूरे डोरमेट में फ्रिल बन के रेडी हो गई है। और आप इसे अपने पसंद से किसी भी साइज की बना सकते हैं और किसी भी आकार की बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें थ्रेड वगैरह भी नहीं निकलते हैं। और ये देखिए हमारा पूरा डोरमेट बन के कम्प्लीट हो गया है। और ये देखिए नीचे के साइड से किनारे से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे हम सेट करेंगे तो ये हमारा डोरमेट फ्लोरमेट बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्री में, 0 कॉस्ट पे बन के रेडी हो गया है, घर पे पड़े हुए बेकार कपड़ों से। अब इसे साइड से हम फिनिश कर देंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके फिनिश कर देंगे। इसे मैंने मल्टी कलर में बनाया है, आप चाहे तो 1 कलर का भी बना सकते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और देखिए कितना मुलायम बन के रेडी हो गया है, इसमें ना ही मैंने लाइनिंग का यूज किया है ना ही रेस बैग का। तो फ्रेंड्स, आपको आज का आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल फ्री में बना है ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।